चैनल और दिस इज मी खुशी। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज जो है मैं बात करने वाली हूँ कि आप अपने फेस से टैन जो है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि टैनिंग जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर आपको एक बार हो जाती है तो इजीली नहीं जाती है आपकी स्किन से, बहुत ज्यादा टाइम लेती है टैनिंग जो है रिमूव होने में। बट यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा क्विक सॉल्यूशन बताऊंगी जो आप इजीली घर बैठे कर सकते हो, और ना ही बहुत ज्यादा ताम जाम वाला कुछ बताऊंगी जो कि करने में बोरिंग भी होता है। सो गाइज, अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो आपको मेरा फेस अलग लग रहा होगा, और आज मेरे फेस पे एक अलग ही ग्लो है। हाँ, आई नो मैंने मेकअप तो किया हुआ है, बट ये रेमेडी जो है मैं पिछले कुछ दिनों से खुद पे भी पर्सनली ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है और इस मौसम में जो टैनिंग होती है अगर आप बारिश में डेली बाहर जाते हो वो इजीली बिल्कुल नहीं जाती। ये तो समर वाली टैनिंग से भी ज्यादा मतलब खराब होती है, क्योंकि बारिश में जो है स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही अगर आपको अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फेस की नहीं पर पूरे बॉडी की टैनिंग जो है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं और उससे कैसे बचा जाए, ये दोनों चीज बताऊंगी। सो गाइस, आप अपने फेस के लिए तो बहुत सारी चीजें कर ही सकते हो, बट आपको जो है अपनी बॉडी का भी जो है ख्याल रखना चाहिए। तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हो कि आप जब भी घर के बाहर जाने वाले हो या आपको अगर डेली ऑफिस वगैरह जाना हो तो आप ट्राई करिए कि आप जो है फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए, जिससे आपका फेस, नेक और जो भी बॉडी पार्ट्स है वो ज्यादा से ज्यादा ढका रहे और सूरज की किरणें उस पर ना पड़े। स्पेशली जो नेक एरिया होता है वो लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी जो है ब्लैक होता है और वो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो आपको उस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए आप जो स्कार्फ वगैरह अपने नेक पे जो है बांध सकते हो, और फेस के लिए आप जो है कैप वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप मैं कहूंगी कि आपको जो है एक बहुत अच्छी सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए, और फिलहाल जो मेरी फेवरेट सनस्क्रीन है वो ये है जेड ब्लॉक की सनस्क्रीन, जो आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन तो देगी सन से, साथ ही ये PA++ है, ये UVA किरणों से बचाती है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। बारिश के लिए ये इतनी अच्छी इसीलिए है क्योंकि ये जो है वाटर प्रूफ सनस्क्रीन है, जो आपके पसीने को भी सोखेगी और बारिश के पानी का साइड इफेक्ट भी आपके फेस पे नहीं होने देगी। पर्सनली इसको बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका जो भी रिजल्ट है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहो तो इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना। थर्ड स्टेप मैं अगर आपको बताऊं तो आपको क्या करना है, एक टोमेटो लेना है और उसको बीच में से कट कर देना है। अब इस टोमेटो के जो दो स्लाइस बचे हैं उसको अपने फेस पे बहुत अच्छे से रब कर लेना है, ताकि ये टोमेटो जब तक पूरा पिल ऑफ ना हो जाए और आपकी स्किन इसका सारा पोर्शन ऑब्जर्व ना कर ले, तब तक आपको इसके अपने चेहरे पे रब करते रहना है एकदम जेंटली, एकदम धीरे धीरे। और 10 से 15 मिनट ऐसा करने के बाद आपको जो ये रस है उसको अपने चेहरे पे सूखने देना है, और ये चीज आपको सिर्फ रात में करनी है सोने के पहले। जो भी आपके ओपन पार्ट्स होते हैं बॉडी पे, जहां जहां आपको टैनिंग फील हुई है, वहां वहां आप ये वाला चीज कर सकते हो, क्योंकि टोमेटो जो है उसके अंदर जो होता है लाइकोपेन पाया जाता है, जो रिड्यूस करता है सनबर्न को, आपकी स्किन में जो है कोलाजिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और टोमेटो के अंदर जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है और स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी भी होती है, तो जो आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसका असर आपको एक दिन में बिल्कुल नहीं दिखेगा, मिनिमम आपको अगर इसका रिजल्ट देखना है तो आपको 21 डेज तक इसको ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर 21 डेज आपको 101% गारंटी देती हूँ मैं इसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। तो आप ये वाली चीज एक बार जरूर ट्राई करना, और आप एवरीडे नाइट में जो है इसको ट्राई कर सकते हो। अब फोर्थ स्टेप पे आपको क्या करना है, जबकि टोमेटो का रस जो है आपके फेस से सूख जाएगा, आप इसको नॉर्मली वाटर से वॉश कर लोगे, उसके बाद आप अपने चेहरे पे जो है कोकोनट ऑयल मसाज कर सकते हो। आप चाहो तो अपनी पसंद का कोई भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। मैं जो है इस्तेमाल करती हूँ वाव स्किन साइंस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसके ऊपर मैं अलग से रिव्यू बना चुकी हूँ, आपको देखना है तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। कोकोनट ऑयल से क्या होता है, जो भी आपके दाग, धब्बे, स्पॉट्स, पिगमेंटेशन होती है वो टाइम के साथ रिड्यूस होती है, साथ ही ये आपको एंटी एजिंग से भी बचाता है, आपकी स्किन को पॉलिश करता है, रिपेयर करता है, और नाइट में इसको मसाज करने
के बाद आप सो जाओ, दिन में आप देखना आपका फेस इतना ज्यादा बेबी सॉफ्ट लगेगा। तो आप एक बार ये चीज जरूर ट्राई करना और इन सारी चीजों को आप एटलीस्ट 1 मंथ ट्राई करना, उसके बाद जो रिजल्ट आता है आप मेरे साथ जरूर शेयर करना और मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो यस गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इसी तरह मेरी चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।